नकुलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है, और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का, और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना शोभा नहीं देता है, इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, NSA के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दी। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हुए और सब ने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिल के आए, नए निशय के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैनिफेस्टो समिति की 10:30 बजे बैठक है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। मुझे इस बात के मन में प्रसन्नता भी है कि हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी को नेतृत्व में जो घोषणा पत्र बन रहा है, तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार में जो घोषणाएं जनता के बीच में आना चाहिए, यद्यपि सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी जो मोदी कहते हैं वो करते जरूर हैं, लेकिन फिर भी 21वीं शताब्दी का भारत कैसा हो, इस नाते से उन्होंने अपना घोषणा पत्र हमको अपनी पार्टी का सामने रखना है। कई हमारी योजनाएं भी लेके जा रहे हैं और भारत सरकार की अपनी कई योजनाएं बहुत लोकप्रिय है, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब चुनाव का मध्याह्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने और अन्य कार्यक्रमों को लेकर तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन घोषणा पत्र का एक एक शब्द हम सबके लिए गीता कुरान रामायण की तरह रहेगा, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, हम उस पर पालन करेंगे। कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है, और जैसे कि कल नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का, और गोंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश शाह जी का जिस ढंग से उनने बेईमान गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना शोभा नहीं देता है, इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए हैं। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, NSA के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग हमारे आप यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दी। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हुए और सब ने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिल के आए, नए के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैनिफेस्टो समिति की 10:30 बजे बैठक है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। मुझे इस बात के मन में प्रसन्नता भी है कि हम सब मिलकर के माननीय मोदी जी को नेतृत्व में जो घोषणा पत्र बन रहा है, तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार में जो घोषणाएं जनता के बीच में आना चाहिए, यद्यपि सब जानते हैं कि मोदी की गारंटी जो मोदी कहते हैं वो करते जरूर हैं, लेकिन फिर भी 21वीं शताब्दी का भारत कैसा हो, इस नाते से उन्होंने अपना घोषणा पत्र हमको अपनी पार्टी का सामने रखना है। कई हमारी योजनाएं भी लेके जा रहे हैं और भारत सरकार की अपनी कई योजनाएं बहुत लोकप्रिय है, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब चुनाव का मध्याह्न की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने और अन्य कार्यक्रमों को लेकर तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन घोषणा पत्र का एक एक शब्द हम सबके लिए गीता कुरान रामायण की तरह रहेगा, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, हम उस पर पालन करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।